तो आज मैं उस मूवी के ट्रेलर का रिव्यू करने वाला हूँ जो डीसीयू की लास्ट मूवी होने वाली है। जैसे मार्वल में फेज 4-5 होता है, ऐसे ही डीसीयू का ये फेज खत्म। पर इस मूवी में से डीसी काफी ज्यादा होप भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस तरह से ब्लैक एडम, शेजम, द फ्लैश इतनी पूरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी, तो अब इससे होप होना तो बनता ही है। पर मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देता हूँ कि ये डीसी की मूवीज के साथ ही नहीं हुआ, ये मार्वल के साथ भी हुआ है। लव एंड थंडर, इंटरनल्स और भी मूवीज जो बॉक्स ऑफिस पर फेलियर रही, पर अब ट्रेलर आ ही गया है तो बात तो करनी बनती है। तो इसमें हमारे एक्वामैन भैया शादीशुदा हो चुके हैं और एक बच्ची के बाप भी बन चुके हैं और एटलांटिक के राजा भी, जिन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी है। पर तभी होती है वो सबमरीन वाले भैया की एंट्री, जिनकी एक्वामैन ने अच्छी खासी बजाई थी और उनके पिताजी को उनसे छीन लिया था फर्स्ट पार्ट में। तो भैया अपने पिता का बदला लेने आते हैं और अब उनके पास है वो ब्लैक ट्राइडेंट, जो पहले 7 राजाओं का ट्राइडेंट हुआ करता था, पर उसकी काली शक्तियों से उसे कहीं दबा दिया जाता है। पर अब वो उन भैया के पास है जिससे गड़े मुर्दे भी उखड़ चुके हैं, मतलब वो काली शक्तियां जो ट्राइडेंट के वक्त हुआ करती थी। तो अब एक्वामैन को चाहिए अपने परिवार की मदद, जिसमें उनके छोटे भैया आते हैं जिनसे एक्वामैन ने वो राजा का किताब तो छीन ही लिया था, और यही नहीं उनकी गर्लफ्रेंड भी। तो अब खून का रिश्ता है तो निभाना तो पड़ेगा ना। तो छोटा भैया एक्वामैन की मम्मी यानी एटलांटिक की महारानी और एक्वामैन खुद इस जंग पर उन भैया का खात्मा करते दिखेंगे, जिसमें ऑब्वियसली उनकी लाखों तरह की रचाते भी साथ देगी। तो ट्रेलर में आपको पूरी की पूरी कहानी तो दिखा दी है, पर इसका मतलब ये नहीं हम मूवीज कहानी देखने के लिए जाते हैं। तो भैया ट्रेलर मुझे अच्छा लगा, अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसको देखकर मैं पागल हो गया। तो नहीं, ट्रेलर अच्छा है जिससे द फ्लैश का था, पर द फ्लैश तो मूवी भी अच्छी थी तो फिर भी फ्लॉप हो गई। पर जब आदमी का दौर ही खराब होता है, ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है, तो ट्रेलर में इसके विजुअल बहुत ही शानदार लग रहे हैं और एक बार फिर से जेम्स वॉन डीसी की नैया पार लगाने के लिए आ गए हैं। तो भैया वैसे भी सुपर हीरो मूवीज बदनाम है अपनी स्टोरी के लिए, तो स्टोरी को हमें वैसे भी कुछ नहीं करना, पर जिसका करना है वो सुपर हीरो जो अपनी दुनिया को, अपने लोगों को, अपने राज्य को कैसे बचाएगा, यही सब तो हम थिएटर देखने जाते हैं। और वो सुपर पावर जो हमें कुछ अलग फील करवाती है, और उन सबसे बढ़कर वो हमारे सुपर हीरो से हमारी बॉन्डिंग, जो हर एक सुपर हीरो फैन को थिएटर तक खींच लेती है। तो ऑल ओवर ट्रेलर अच्छा था, मूवी की पॉजिटिव आई तो बना ही देगा। अभी थिएटर में जाकर ही पता चलेगा कि मूवी अच्छी होगी या नहीं, पर मूवी अच्छी हो या बुरी जब उसको फ्लॉप होना होता है तो वो हो जाती है, इससे मूवी का अच्छा बुरा होने का ताल्लुक नहीं होता। तो मूवी लवर समझते भी होंगे जो लोग मूवीज बॉक्स ऑफिस को देखते होंगे। तो मूवी दिसंबर में रिलीज होगी, शायद हो सकता है कि इंडिया में डंकी से इस मूवी का क्लेश हो। तो भाई जिस तरह का एस आर के का जलवा चल रहा है, तो इंडिया में तो इस मूवी की पुंगी बच जाएगी। तो आप बताने कि आप इस मूवी को देखने जाने वाले हो या नहीं। तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर।